नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने हंगरी स्पिरिट चैनल में। दोस्तों, बिग बॉस 12 का कल का वीकेंड का वार काफी ज्यादा भारी रहा करणवीर वोरा पे। करणवीर वोरा पे इसलिए क्योंकि वो बहुत ही जाने माने सेलिब्रिटी है और बहुत लोग उनके फैन है, उनकी एक्टिंग को पसंद करते हैं, उनके बिहेवियर को पसंद करते हैं। तो किस तरह से रहा इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले आप कीजिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है दोस्तों, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल। दोस्तों, कल वो बात वीकेंड का वार में सामने आ गई जिसके बारे में सिर्फ अभी तक सोशल मीडिया पे चर्चा थी। और सोशल मीडिया पे चर्चा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी तक वो टीवी पे नहीं आया था, क्योंकि एपिसोड में वो चीज इंक्लूडेड नहीं थी। इसलिए जो लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं सिर्फ उन्हीं को पता था कि करणवीर, रोहित और सुरभि ने ऐसा क्या किया है जो बहुत ही शर्मनाक दिखा है सोशल मीडिया पे। तो ये चर्चा पहले चल रही थी, मगर जो बिग बॉस के मेकर्स हैं उनको लगा कि ये चर्चा जो बाहर चल रही है सोशल मीडिया पे, इस चर्चा को टीवी पे लाना चाहिए ताकि लोगों को इस बात का पता चले कि ये गलत है, ऐसा इस घर में नहीं होना चाहिए जो करणवीर ने किया, जो सुरभि ने किया, जो रोहित ने किया। इसी मजबूरी में उनको वो वीडियो वापिस से कल वीकेंड का वार में दिखाना पड़ा, क्योंकि जब वूट पे वो वीडियो आया था तो वूट पे आते ही लोगों ने देख लिया और उसके क्लिप्स भी बना ली और सर्कुलेट भी हो गया। उसके बाद वूट से भी वो क्लिप हटा दिया गया, मगर जब बोलते हैं ना तीर कमान से निकल गया तो फिर वापस नहीं आता है। तो वो सबके 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 मोबाइल में, सबके लैपटॉप में, जो जो लोग उस टाइम पे एक्टिव थे सबने देख लिया, क्लिक्स कर लिया, फोटो शेयर हो गया और बहुत बहुत बदनामी हुई शो के साथ साथ करणवीर वोरा की, जो वो मुझे लगता है डिजर्व नहीं करते। एक होता है ना, कभी कभी बंदा घर के अंदर 24/7 कैमरास के अंदर होता, कभी भूल भी जाता है कि मैं कैमरा के अंदर नहीं हूं। तो उस इमोशन में शायद, या फिर जानबूझ के रोहित और सुरभि ने ऐसा उनसे करवा दिया, मैं ये भी सोच सकती हूँ, क्योंकि वो दोनों एक ऐसे प्राणी हैं जो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी किसी भी हद तक जा सकते हैं ताकि वो सेलिब्रिटीज को नीचा दिखा सके। एक पॉइंट ये भी हो सकता है, क्योंकि करणवीर की ऐसी पर्सनैलिटी नहीं थी जो अभी वो दिखाई दे रही है। और ये भी हो सकता है कि करणवीर एक ऐसी संगत में चले गए हैं जहां पे वो सिर्फ और सिर्फ बुरे ही दिख रहे हैं लोगों को। करणवीर के लिए ये बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि उनकी फैमिली में उनकी टीजे वाइफ है, दो बेटियां हैं, ये सब चीजें जब टीवी पे दिखाएगी तो आप ये सोचिए कि जो लोगों जो जैसे गांव के लोग भी इस शो से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अभी तक सोशल मीडिया या वूट वगैरह को नहीं देखते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर उनको नहीं पता है, उन लोगों ने भी टीवी पे कल ये चीज देख ली, वो क्या सोचेंगे करणवीर के बारे में। सुरभि और रोहित को तो समझते ही लोग ऐसा है कि वो तो है ही, मतलब ऐसा ही कर सकते हैं, डिजर्व, मतलब उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मगर करणवीर से नहीं कर सकते थे। तो मुझे करणवीर के लिए बहुत ज्यादा दुख लगा कि वो इस तरह से, इस गंदे तरीके से लोगों के सामने आए, जो सच में बहुत ही बुरा था। मुझे बुरा लग रहा है टीजे के लिए कि उनको कैसे फेस कर रही होंगी इस चीज को। पहले सोशल मीडिया पे तो वो कर ही रही थी, अब टीवी पे भी आ गया तो अब वो कैसा फील कर रही होंगी। तो करणवीर को संभलना चाहिए इन चीजों से, उनको अपनी संगति बदलनी चाहिए, अभी सिर्फ 3 हफ्ते ही बचे हैं, अपनी इमेज सुधारनी चाहिए। ऐसी इमेज लेके बाहर आएंगे तो बहुत ही बुरा लगेगा उनको, जब बाहर आके वो वीडियोस देखेंगे, अपने कमेंट्स पढ़ेंगे तो उनको बहुत बुरा लगेगा। मैं नहीं चाहती उनको बुरा लगे, ही इज अ वेरी जेन्युइन एंड गुड पर्सन, तो उनके लिए मैं यही सोचूंगी कि उनको बाहर आके अच्छे अच्छे कमेंट्स मिले। आप लोग क्या सोचते हैं कि करणवीर को अपनी संगति छोड़ देनी चाहिए, बुरी संगति, या फिर ऐसे ही शो को एंड तक लेके जाना चाहिए? तो आपके कमेंट्स का वेट रहेगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइए। कीप वॉचिंग हंगरी स्पिरिट चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.